Here we are going to see classification of polynomial. The first classification according to term wise and second classification according to degree wise. So first thing we are going to see term wise. So in the term wise, the first category is coming monomial. Monomial matlab sirf ek term. Main agar px is equal to sirf x likhta hu, matlab sirf ek term. Main px is equal to minus 7x likhta hu, to yahan pe sirf ek hi term. मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो चलेगा, लेकिन प्लस या माइनस में करके कोई अनादर टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे कैटेगरी में आते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जैसा नाम है वैसा ही काम है। मोनो मतलब एक, मतलब सिर्फ एक टर्म आए तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मोनोमियल में, ठीक है? मोनोमियल पॉलिनोमियल। अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, बाइनोमियल मतलब लेट्स एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो यहां पे कितने टर्म है? दो टर्म है, x और 2, ठीक है? तो जैसा नाम है वैसा काम है। बाइनोमियल मींस दो टर्म, x एंड 2। हाउ मेनी टर्म आर देयर? x एंड 2, ठीक है? तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? बाइनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग 3x³ - x, इट इज आल्सो बाइनोमियल बिकॉज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हियर वी आर हैविंग टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है? यहां पे कितने टर्म है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, ठीक है? मैं फिर से बता दूं आपको कि टर्म बेसिकली प्लस और माइनस से ही सेपरेट होते हैं, ठीक है? जैसे पहला टर्म देखा और दूसरा टर्म किससे सेपरेटेड है? माइनस से। यहां पे पहला टर्म, दूसरा टर्म किससे सेपरेटेड है? प्लस से। तो प्लस और माइनस से ही टर्म सेपरेट होते हैं, ठीक है? इनटू से सेपरेट नहीं होते, इनटू या फिर डिवाइड बेसिकली इससे सेपरेट नहीं होते, प्लस और माइनस ही कंसीडर करते हैं यहां पे। तो आई होप यू अंडरस्टूड बाइनोमियल। लेट्स मूव इन ट्राइमोनियल। अकॉर्डिंग टू नेम ट्राइमोनियल मींस तीन टर्म में यहां पे। तो लेट्स एग्जांपल px इज इक्वल टू x³ - 3x + 3। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ट्राइमोनियल मतलब थ्री टर्म, ठीक है? यहां पे हम देखें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सेपरेटेड बाय माइनस एंड प्लस। मैंने आपको बताया कि टर्म बेसिकली किससे सेपरेटेड होंगे? माइनस और प्लस से, इनटू और डिवाइड से सेपरेट नहीं होते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, एंड सो ऑन। एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइमोनियल, चार टर्म है, पांच टर्म है, छह टर्म है, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू गिव द नेम, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, जितने टर्म होंगे। तो बेसिकली हम इन तीन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि ज्यादातर हम इन्हीं को फेस करते हैं, ठीक है? बाकी सारे नाम है, जैसा नाम रहेगा वैसा काम रहेगा, ठीक है? बिफोर जंपिंग इन दिस कैटेगरी डिग्री वाइज वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिग्री। सो डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट एक्सपोनेंट थ्रू आउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? एंड वी नो दैट व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस वेरिएबल पावर। सो वी विल सी वन बाय वन व्हाट इज डिग्री। सो फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग x³ + x² + 5। नाउ व्हाट इज डिग्री ओवर हियर? सो वी विल सी थ्रू आउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो थ्रू आउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस दिस टर्म आई टेक दैट इज 3, दिस एक्सप्रेशन आई टेक दैट इज 2। हियर बेसिकली नथिंग इज देयर मींस इनटू x⁴ 0। सो 3 2 0, व्हिच नंबर इज गेटर? 3. So 3 will become degree of this algebraic expression. Okay, let me take another example. x⁴ + x⁴ 5 + 5, right? So if in this algebraic expression, if I see, so x⁴ + x⁴ 5 + 5 throughout algebraic expression, which one is greatest exponent, that is 4. So 4 will become degree of this algebraic expression. I hope you understand what is degree. Degree is basically highest exponent throughout algebraic expression. So by these two examples we understood how to calculate degree of any algebraic expression. Means it is basically highest degree throughout algebraic expression. If I talk about this example, so highest degree was over here 3. If I talk about this example, so highest degree was 4. Means you have to see the whole algebraic expression, then you have to see what is the greatest number of exponent,
that will become degree. I hope you understood. We have understood degree. Now we are going to understand classification of polynomial according to degree. So in this classification, the first category is coming constant polynomial. Constant polynomial. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं. जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है px. px हम क्यों लिखते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है px इज इक्वल टू कांस्टेंट. राइट, कांस्टेंट मतलब एनी नंबर मींस इट कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी इमेजिनरी नंबर. सो ऑल नंबर विल कम इन दिस कैटेगरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, एज एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं px इज इक्वल टू 3 ले रहा हूं तो किस कैटेगरी में आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा. अगर मैं px इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो किस कैटेगरी में आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा. मैं 10 ले रहा हूं तो किस कैटेगरी में आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा. 100 ले रहा हूं तो किस कैटेगरी में आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? अब ये चलो देख लेते हैं. अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट में हमेशा इसके 1 मल्टीप्लाई में रहता है. ठीक है. अच्छा, मैं क्या 1 को x रेस्ट पावर 0 लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं. तो अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे x की पावर 0 है, मतलब डिग्री यहां पे क्या होगी? 0 होगी. मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है. इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है px इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब एनी नंबर. इट कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी इमेजिनरी नंबर. अच्छा, यहां पे एक बात और ध्यान देने की है कि मैंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है वो होता है px इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब एनी नंबर. ठीक है. और मैंने यहां पे बोला कि इसकी डिग्री 0 होती है. इसकी डिग्री 0 होती है. वो कैसे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट में हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है और 1 को मैं x रेस्ट पावर 0 लिख सकता हूं, तो इससे डिग्री यहां पे 0 आ रही है. ठीक है. लेकिन तब क्या होगा अगर मैं एज एग्जांपल 0 इटसेल्फ ले लूं? 0 इटसेल्फ ले लूं. मैं यहां हर नंबर के मल्टीप्लाई में क्या बता रहा था कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 1 को मैं x रेस्ट पावर 0 लिख सकते हैं. लेकिन अगर 0 ही हम px इज इक्वल टू 0 ले लें तो इसके मल्टीप्लाई में हम 1 भी लिख सकते हैं. 1 मतलब 0 * x रेस्ट पावर 0. मैं इसके मल्टीप्लाई में x स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पे डिग्री 2 हो गई. मैं px जो है 0 * x क्यूब भी लिख सकता हूं, ये भी 0 ही है. 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर विल बिकम 0. 0 मल्टीप्लाई x क्यूब विल बिकम 0. मैं 0 मल्टीप्लाई 100 ले लूं तब भी बेसिकली 0 ही आएगा. तो यहां पे डिग्री 100 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है डिग्री. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि px इज इक्वल टू 0 होता है तो डिग्री बेसिकली वेरी करती है. ऐसे कभी 0 कभी 2 कभी के एनी डिग्री आ सकती है. तो यहां पर एक डिफरेंट कैटेगरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आती है, उसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल. हम क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल. 0 पॉलिनोमियल मतलब अगर px 0 ही हो जाए, ठीक है, अगर px खुद ही 0 हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आएगा? 0 पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. अब यहां पे बात आई कि डिग्री इसके क्या होती है. तो डिग्री हम यहां पे देख पा रहे थे कि यहां पे कभी 0 कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3. एनी नंबर कैन कम. ठीक है, एज अ डिग्री. तो यहां पे डिग्री हम क्या बोलेंगे? या तो काफी लोग ऐसा ही बोलते हैं, मतलब डिफरेंट वर्ड है, आप यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि काफी लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं कि डिग्री इज इनफाइनाइट, या भी आप बोल सकते हो अनडिफाइंड. अनडिफाइंड मतलब यहां पे डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनी नंबर. इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव. एनी नंबर कैन कम एज अ डिग्री. तो यहां पे डिग्री या तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट या फिर क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड है. राइट. सो अब दूसरी कैटेगरी मूव करते हैं. दूसरी कैटेगरी है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल
राइट। यहां पर जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और यहां पे जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री होती है वन। यहां पे हम देख भी पा रहे हैं पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहां पे हम देखें तो ए और बी बेसिकली क्या है, नंबर्स हैं। ए और बी क्या है, यहां पे नंबर्स हैं, एक्स यहां पे वेरिएबल है तो एक्स की पावर वन है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड डिग्री इज इक्वल टू वन। लेट्स सी एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 5x + 7 इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज वन, सो इट विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल। मैं अगर ले रहा हूं 6x - 8 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री इज वन। इफ आई एम टेकिंग √3x + 3 इट इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज वन एंड वी नो वट इज डिग्री, राइट। ओके, लेट्स मूव इन अनादर कैटेगरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है जहां पर ए बी सी नंबर्स हैं। ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या है, नंबर्स हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स रेस टू पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे ए बी सी नंबर्स हैं। ठीक है, और यहां पे हम देख पा रहे हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो डिग्री यहां पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। px = 2x² + 5x + 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पे डिग्री कितना है, 2 है। और मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं 9x² + 3 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पे डिग्री कितना है, 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो यहां पे बेसिकली ये किस कैटेगरी में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगली जो कैटेगरी है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इसका सबसे पहले देखेंगे हम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इसका है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे हम इस एक्सप्रेशन में हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पे बेसिकली जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। डिग्री यहां पे क्या है, 3। डिग्री हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है, 3 है। यहां पे ए बी सी डी आर नंबर्स, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे डिग्री है 3। नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज 5x³ + 9x² - 10। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वी विल फोकस ओनली ऑन डिग्री, व्हाट इज डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, राइट। इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन हियर इज द डिग्री इज 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3 ओनली। ठीक है, तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे डिग्री 0 थी कॉन्स्टेंट, डिग्री 1 था लीनियर, डिग्री 2 था क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक, डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग नाम चेंज होते जाएंगे। ठीक है, 1 मतलब लीनियर, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम ज्यादातर इनको ही फेस करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको याद रखना है, और याद रखना बहुत आसान है। जैसे मैं बोलता हूं डिग्री इज इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो वहां पे कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं। डिग्री इज इक्वल टू 0 मतलब x रेस्ट पावर 0 इट विल बिकम 1 ओनली। तो यहां बेसिकली सारे कांस्टेंट ही हो जाएंगे। अब अगर मैं लीनियर की बोलूं तो लीनियर 1, अब डिग्री 1 तो 1 से कम क्या होगा, 0 होगा, तो मतलब सीधे नॉर्मल कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक बोलूं तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो 2 से कम
वन, वन से कम जीरो, जीरो मतलब वन, तो वन को लिखते नहीं हम, ठीक है। मैं क्यूबिक के बोलूं तो क्यूबिक में मतलब डिग्री कितना, थ्री, तो थ्री टू वन ऐसे डिक्रीज होना है, थ्री टू वन जीरो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे लग रहा है आपको याद याद हो रहा होगा। चलो अभी ये देखते हैं कि बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते कैसे, इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक जो पांचवी कैटेगरी है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब डिग्री इज इक्वल टू फोर, डिग्री इज इक्वल टू फोर। तो डिग्री इक्वल टू फोर मीन्स हाईएस्ट पावर विल बी फोर, देन फोर से कम थ्री, देन थ्री से कम टू, देन टू से कम वन, देन वन से कम कॉन्स्टेंट विल कम। नाउ आई पुट, नाउ आई पुट ए बी सी डी मीन्स कोएफिशिएंट आई पुट, तो कोएफिशिएंट ए बी सी डी एंड कॉन्स्टेंट, तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कैसे लिख रहा हूं। काफी क्वेश्चन आपके पॉलीनोमियल चैप्टर में ऐसे आएंगे जहां पे सीधे सीधे आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ही लिखना होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अपने को समझ में आना चाहिए कि लीनियर में क्या होता है, डिग्री वन होता है तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक में डिग्री टू होता है तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, क्यूबिक में डिग्री थ्री होता है तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। एक एक डिग्रीज करते जाते हैं और साथ में कोएफिशिएंट अटैच कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक एक हम कम करते जा रहे हैं, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट अटैच कर दिए तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल, थैंक यू सो मच।